राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस खंदारी में चल रहे एमसीए पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नए छात्रों को आरबीएस कॉलेज के इतिहास से लेकर यहाँ के शैक्षिक स्तर, प्लेसमेंट, माहौल आदि के बारे में छात्रों को जानकारी दी। राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस खंदारी में चल रहे एमसीए पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बलवंत एजुकेशन सोसाइटी के सचिव युवराज अमरेशपाल सिंह रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं को बताया कि इस संस्था की स्थापना राजा बलवंत सिंह ने की थी। उनका उद्देश्य भारतीय मूल्यों के अनुसार शिक्षा प्रदान करना था। उन्होंने बताया कि शिक्षक संस्थान के छात्रों में सकारात्मक विचारों के साथ शिक्षा देते हैं, जिससे छात्र जहाँ एजुकेशन में तो तरक्की करते ही हैं, साथ ही संस्कारवान होते हुए एक अच्छा इंसान भी बनते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार संस्थान में 100% से अधिक प्रवेश हुए हैं और 85% से अधिक छात्रों का देश की जानी मानी कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ है। हमारे यहाँ आरबीएस मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस में आज हमारे एमबीए और एमसीए के बच्चों के लिए आज ओरिएंटेशन कार्यक्रम है 2023, और हम सब लोग, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स जो हैं हमारे एमबीए एमसीए कोर ग्रुप के, हम सब मिले हैं उसको बताने के लिए, बच्चों को अपने कॉलेज के बारे में, अपने संस्था के बारे में, पठन पाठन के बारे में और जो भी यहाँ एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को आरबीएस कॉलेज पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। साथ ही कॉलेज के अनुशासन व गतिविधियों की जानकारी देने के साथ इसमें निरंतर जुड़े रहने पर भी जोर दिया गया। संस्थान की निदेशक वित्त एवं प्रशासन डॉक्टर पायल गर्ग ने बताया कि छात्रों को व्यावसायिक व तकनीकी गतिविधियों में हो रहे बदलाव के साथ साथ जॉब के नए अवसर के आधार पर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों को संस्थान की हर पहलू से अवगत कराया जाता है, जिससे कि वह यहाँ के माहौल, अनुशासन को जान सकें और उसी के आधार पर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। हेलो ऑल, दिस साइड पंकज दत्त, एमसीए फाइनल ईयर, आरबीएस एमटीसी खंदारी फॉर्म आगरा। दिस कॉलेज एक्सपीरियंस इज फेबुलस, टीचर फैकल्टी ऑल आर ऑसम, एंड द बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट वी आर फोकसिंग ऑन द लाइव आईटी सेक्टर, विच मीन्स कोडिंग डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। एज अ एक्सपीरियंस, एज अ फ्रॉम अ सीन ऑफ सीनियर, वी आर हेयर फॉर लुकिंग फॉर हॉल मैनेजमेंट एंड फूड मैनेजमेंट एंड ऑल काइंड ऑफ मैनेजमेंट्स, एंड वी आर लुकिंग फॉर अवर जूनियर्स टू बी लाइक दैट इन फ्यूचर। माई नेम इज़ आभा शर्मा, एंड सो ये जो कॉलेज है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर वेल मैनर्ड और रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छी फैकल्टी है, यहाँ पर एकदम फैमिलियर फ्रेंडली फैकल्टी है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब किसी चीज़ के लिए भी झिझक नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम डायरेक्टली जाके टीचर से बोल सकते हैं। टीचर बहुत सपोर्टिव भी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं, हमारा हर डाउट क्लियर होता है, तो दैट्स ऑल। कार्यक्रम के दौरान संस्थान की सीनियर छात्रों ने भी अनुभव रखे और बताया कि किस तरह से यहाँ की शिक्षा स्टाफ उन्हें हर तरह से सहयोग करता है और हर जिज्ञासा को शांत करते हुए बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करता है। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसके माध्यम से उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया कि संस्थान शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कला संस्कृति के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी छात्रों को कुशल व पारंगत बनाने का पूरा प्रयास करता है। कार्यक्रम के दौरान कैंपस के डॉक्टर प्रोफेसर डी एस यादव ने संस्थान परिसर में रैगिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित बताया, साथ ही अनुशासन पर पूरी तरह से जोर देने की बात कही। वहीं डॉक्टर गुंजन सिंह ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी, तो वहीं डीन छात्र कल्याण विवेक कुमार ने छात्र कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों, शिक्षक सलाह, कैरियर मार्गदर्शन, शैक्षिक भ्रमण आदि गतिविधियों की जानकारी दी।